मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड हेलोरिन्स। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ओके, लाइट ब्राउनिश कलर में वो चेंज होते हैं व्हेन जब उस पर सनलाइट पड़ती है। ओके, एंड हैव स्वीट स्मेल। ठीक है, ये जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, नाउ वी विल गो इन मोर डिटेल अबाउट मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटर टू इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड में देखिए, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में आपको दो चीज़ समझनी है। अल्काइल हैलाइड इज ऑलवेज आर एक्स ग्रुप, करेक्ट। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन आर, ओके, आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, एंड व्हेन देयर इज चेंज इन एक्स ग्रुप। ठीक है, अब ये कैसे चेंज होता है? सो जैसे जैसे आर अल्काइल ग्रुप में कार्बन चेन सी होते हैं ना, इसमें दिस इज इक्वल्स टू कार्बन चेन, करेक्ट। दिस हैज लिंकेज ऑफ कार्बन चेन। सो जैसे जैसे कार नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, ओके, सो द लिक्विड विल सब्सटेंस विल हैव लिक्विड फॉर्म, और इंक्रीज हुए देन इट विल हैव सॉलिड फॉर्म। ओके, सो इनिशियल फॉर सम ग्रुप लाइक मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड आर गैसियस इन नेचर। ओके, बट एज आर ग्रुप इंक्रीजेस द सब्सटेंस टर्न्स इन टू लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। पहले तो ये समझ लो, वेन आर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्काइल ग्रुप चेंजेस, सो सब्सटेंस हैज लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। सिमिलरली एक्स ग्रुप के बारे में हम ये जानते हैं, एक्स ग्रुप में क्या क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, फर्स्ट इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन, एंड लास्ट वन इज आयोडीन। ओके, सो इन सभी ग्रुप्स में एटम साइज इंक्रीज होती जा रही है। सो जैसे जैसे हेलोजन ग्रुप्स की साइज इंक्रीज होती जा रही है, वहाँ पे इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो कीप इंक्रीजिंग। ओके, नाउ द रीज़न फॉर दिस चेंजेस इज बिकॉज ऑफ वेंडर वॉल फोर्सेस। ओके, बिकॉज ऑफ जैसे जैसे हमारा आर ग्रुप बढ़ते जा रहा है, कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनमें डाइपोल मूवमेंट एंड वेंडर वॉल फोर्सेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड वेंडर वॉल फोर्सेस। ओके, एंड एज सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन ऑर्डर। आर आई में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन आर बी बी आर, आर सी एल, देन आर एफ। ओके, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं। ओके, वेन अल्काइल ग्रुप इज सेम तब ये इस तरह चेंजेस हैं, एंड द रीज़न अगेन इज द सेम। ओके, और ये रहा रीज़न, यहाँ से आपको स्टार्टिंग तक मिलेगा। दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मास ऑफ हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीजेस। ओके, सो विच चेंज इन आर, हमने देखा कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा, सॉलिड फर्स्ट इन गैसेस फेस कार्बन एटम इंक्रीज हुआ इन अल्काइल ग्रुप, लिक्विड फेस फर्दर इंक्रीज हुआ, देन इट विल हैव सॉलिड स्टेट। एंड विथ आर सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन। ओके, नाउ द नेक्स्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट टॉक्स अबाउट फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप What happens in isomers?
ठीक है, देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, दीज आर आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हम कहते हैं. सो द सिंपल प्रिंसिपल इज एज नंबर ऑफ कार्बन ब्रांचेस इंक्रीजेस सो द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. ओके, देखो इसमें सेकेंडरी कार्बन आइटम पे अटैच है तो 364 एंड प्राइमरी तो 375. अगेन विद द रीजन इज सेम, विद द इंक्रीज इन द ब्रांचिंग ओके रिएक्टिविटी इंक्रीजेस सो इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ हीट और बॉइलिंग हीट एनर्जी. ओके, नाउ दिस टॉक्स, दिस पर्टिकुलर टॉक्स अबाउट और पैरा आइसोमर्स, मेटा एंड ऑर्थो आइसोमर्स. ओके, पैरा आइसोमर्स आर वेरी मच सिमेट्रिक इन नेचर सो उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एंड हैव रिलेटिवली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स. ओके, ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल देन पैरा आइसोमर्स. ओके, और नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए. ओके, सो आप लोग नोट करना इसे. जस्ट हैव ए लुक, ये रहा पैरा आइसोमर्स. ओके सॉरी, दिस वन इज पैरा वन. ओके देन ऑर्थो एंड मेटा. ओके चलो, नाउ डेंसिटी सेम हमने जैसे समझा, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम, अब वो गैसेस से लिक्विड हो रहा है, दैट मीन्स इट डेंसिटी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम फर्दर लिक्विड टू सॉलिड, इट्स डेंसिटी हैज़ इंक्रीज्ड फर्दर. सो विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कम आर कार्बन इन आर, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ हेलोजन इंक्रीजिंग. ओके एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हेलोजन एटम एंड एटॉमिक मास. ये देखिए, द डेंसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम. ओके एंड हेलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम. सो एग्जांपल दिया है इन द टेबल. नाउ सॉल्युबिलिटी के बारे में आप समझ लीजिए, हेलो एल्केन्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर. ओके बट दे आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. रीज़न, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता, अब सॉल्युबिलिटी के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिससे ब्रेक होगा. ओके सो जो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली लेस स्टेबल. ओके ऑन द अदर हैंड इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दिस न्यू बॉन्ड फॉर्म आर क्वाइट मोर स्टेबल. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज लेस इन वाटर बट मोर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ओके चलो, वी विल स्टॉप इट ओवर हियर. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस. ओके, न्यूक्लियोफिलिक केमिकल, अभी तक हमने प्रिपरेशन देखा और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी. नाउ अबाउट केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन में थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स. ओके चलो, एक आप वो एक बार देखना ध्यान से. ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस दिस रिएक्शन, और हम एक ओवरव्यू लेते हुए जाएंगे. ठीक है, चलो, थैंक यू.